हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आईफोन 6 प्लस की डिस्प्ले को कैसे हम रिप्लेस करें। ठीक है, तो अभी मेरे पास 6 प्लस है तो ये डिस्प्ले ब्रेक है पूरी। ठीक है, तो ये बॉडी भी फ्रेंड हल्की फुल्की डैमेज सी है, साइडों से स्क्रैच वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले पूरी डैमेज है। यहाँ से देखिए यहाँ पर पूरी वर्किंग डिस्प्ले की टच भी नहीं वर्क कर रही है। तो चलिए आज हम सीखेंगे, देखिए तो चलिए सीखेंगे कि इसकी डिस्प्ले को रिप्लेस हम कैसे करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी डिस्प्ले जो है हमारे पास वो निकाल लेता हूँ। मेरे पास पड़ी 6 प्लस की, तो उसको निकाल लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास अभी ये 6 प्लस की डिस्प्ले है LCD। तो अब मैं इसको इस फ़ोन में लगाऊंगा। तो फ्रेंड ये है कॉपी डिस्प्ले है। कैसे पता करेंगे कॉपी है? देखिए यहाँ पे नीचे की साइड, यहाँ पे जिसमें यहाँ पे लगा हुआ है स्टैंप लगा हुआ है। ठीक है, साइन भी है, तो ये कॉपी है डिस्प्ले है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले डिस्प्ले को हटाएंगे। तो यहाँ से हम स्विच ऑफ करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं पहले स्क्रू ड्राइवर निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप आपका क्या होगा, इस फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर टच इसकी वर्क नहीं कर रही है। तो आप इसको स्विच ऑफ कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको फ़ोन को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आईफोन का अलग से स्पेशल स्क्रू ड्राइवर आता है। ठीक है, यहाँ के जो स्क्रू खोलते हैं यही आपको आईफोन का स्क्रू ड्राइवर अलग से आएगा। सिर्फ इसमें यही स्क्रू ड्राइवर लगेगा और कोई भी आपका लग नहीं पाएगा। ठीक है, तो आईफोन में दो ही स्क्रू ड्राइवर लगते हैं, एक आईफोन के लिए छोटा वाला और एक अंदर एंड्रॉयड वाला। ठीक है, तो देखिए इसको हम अलग कर लेते हैं। तो हम इसके स्क्रू खोल देते हैं। तो हमने ये स्क्रू खोल दिए। ठीक है, दोनों स्क्रू फ्रेंड हमने खोल दिए। तो अब डिस्प्ले को मैं ओपन कर दूंगा। तो सबसे पहले स्क्रू को मैं अलग कर देता हूँ कि गिरे ना। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं। तो हमें साइड से ओपन करना है। तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आईफोन की डिस्प्ले हमेशा इस साइड से ही ओपन होंगे। ठीक है, तो आपको अपने नखून या ओपनर से इसे ओपन करना है, हल्का सा उठाना है, फिर गैप बनाना है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से इसको खींचिए, यहाँ से स्क्रैच करिए और अपने आप ये बाहर आ जाएगी। क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये सील्ड पैक नहीं होती हैं, तो इसलिए इनको निकालना आसान है। तो देखिए हमने निकाल दी। तो देखिए इस तरह की है अंदर से आईफोन 6 प्लस का जो डायग्राम, इस तरह का है। तो ये बहुत गंदा भी हो रखा है अंदर से, बहुत धूल मिट्टी जमी हुई है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्प्ले के साथ साथ इसकी सर्विस भी कर देंगे, साफ सूफ भी कर देंगे, जिससे कस्टमर भी खुश रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, तो उसको आपको डिस्प्ले को आपको हल्के से ऊपर उठाना है और फ़ोन को इस हिसाब से रखिए, फ़ोन आपका स्लिप ना हो इसे। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले की सीट है, यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर में लगा, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अभी हमारा फ़ोन ऑन है। ठीक है, तो कभी कभी फ्रेंड देखिए डिस्प्ले टूटी हुई है, फिर दबाव डालेंगे तो ये रंग बदल रही है अपना। ठीक है, सबसे पहले हम फ़ोन को ऑफ़ करते हैं। तो ये सीट लगी है, इसको पहले हम खोलेंगे। एंड्रॉयड का स्क्रू ड्राइवर लेना आपको, एंड्रॉयड फ़ोन वाला, वही से ही खोलेंगे। तो फ्रेंड आप याद रखना, कभी भी आप आईफोन को खोलोगे सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर निकाल के ही खोलना। ठीक है, अगर चलते हुए फ़ोन में आप डिस्प्ले वगैरह निकालोगे तो फ़ोन की जो लाइट होती है ना, डिस्प्ले की लाइट, वो उड़ जाती है, गायब हो जाती है, तो बोर्ड में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए कभी भी चालू फ़ोन में कुछ काम मत करना। ठीक है, सबसे पहले ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ओपन, यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ देखिए अब ये फ़ोन बंद है। तो अब ऊपर जो सीटें हमारी हैं, अब इसे खोल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी सीटें खोलते हैं। यहाँ पे टोटल 6 स्क्रू लगे होते हैं, सॉरी 5 स्क्रू, सबसे छोटे होते हैं स्क्रूज के अंदर फ्रेंड, सबको अलग कर लेना आपको। तो देखिए सारे स्क्रू मैंने इसके निकाल लिए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड, बहुत ही आसान काम है। ठीक है, तो हमने सीट अलग कर ली। तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पे हमारा डिस्प्ले का है, डिस्प्ले यहाँ पे सेंसर कनेक्टर पड़ता है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर, उसके बाद टच पैड कनेक्टर हमारा है टच वाला, वो निकाल लेंगे। आराम से निकालना है फ्रेंड, कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपको इसमें। तो ये देखिए हमारी डिस्प्ले अब फ़ोन से हमने अलग कर ली है। ठीक है, बहुत ही ईजी था फ्रेंड, कुछ भी नहीं किया। तो ठीक है, तो देखिए अब हमारे सामने ही ये मदरबोर्ड का डायग्राम, जो हाउसिंग होती है इसकी। तो देखिए बहुत गंदी हो रखी है, धूल मिट्टी जमी है। चलिए इसको भी हम क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे। आपको ब्रश लेना है, ब्रश से आपको साफ़ कर देनी है हर चीज़ें, लेकिन ध्यान से कोई चीज़, जैसे कुछ नुकसान तो वैसे फ्रेंड होगा नहीं ब्रश मारने से, फिर भी आप ध्यान से ही करना, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, आपको एक चीज़ें बिल्कुल साफ़ कर देनी है। ठीक है, तो इसके साथ फ्रेंड अगर आप
फ़ोन खोलोगे तो अगर फ़ोन साफ सुफ कर दोगे तो ये काम जो है कि फ्रेंड बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सही है। चलिए मैं कपड़े से एक बार साफ़ करता हूँ उसको, कपड़े भी ले लूँगा, ब्रश से ले लूँगा, ठीक है। तो देखिए मैंने पूरा इसको क्लीन कर रहा हूँ अच्छे से, बिल्कुल साफ सुथरा नया बोर्ड करना पड़ेगा इसको। अगर फ्रेंड खोला ही ये फ़ोन, धूल मिट्टी है वो भी साफ़ कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमने बिल्कुल साफ कर दिया, तो चलिए फ्रेंड देखिए हमारे ये बिल्कुल ही फ़ोन साफ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से फ़ोन आप फ्रेंड क्लीन कर सकते हो। मैं अभी कपड़े से भी साफ़ कर देता हूँ उसको, बड़ा क्लीनर लगा के हल्का सा, तो धूल मिट्टी है इसके ऊपर सारी साफ़ कर देता हूँ जिससे कि एकदम चमक जाएगा फ़ोन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा का सारा फ़ोन एकदम साफ़ कर लेना, क्लीन कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल ही साफ़ कर दिया है, पहले बहुत गंदा था, अब देखिए एकदम साफ़ चमक रहा है, जैसे नया होता है वैसा ही है। तो चलिए अब हम इसकी डिस्प्ले जो है हम फ्रेम वो रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले मैं हाउजिंग को सेट कर दूँ, उसके बाद देखिए अब आपको हमें डिस्प्ले रिप्लेस करनी है। तो हमें पहले इसको जो स्पेयर लगे हैं सारे स्पेयर हमें उतारने, सबसे पहले हम टच आईडी से स्टार्ट करेंगे। तो टच आईडी के सारे स्क्रू खोल देंगे, इसमें 3 स्क्रू टोटल होते हैं। फ्रेंड सारे आईफोन में 3 ही स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पे टच आईडी पे, कोई नया नहीं, किसी में 4-5 नहीं है, सब में 3 होते हैं। जो आईफोन 7 वगैरह है वो सबसे अलग है, लेकिन इन सब में आईफोन 5 से लेकर 6S Plus तक सब सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारा होम बटन, फिंगरप्रिंट, टच आईडी, इसको अलग कर देते हैं, सिस्टम अलग कर दिया। इसके बाद चलिए स्पीकर का, जो स्पीकर की सीटें होती हैं वो उतारेंगे। सबसे पहले एक स्क्रू खोल लेते हैं यहाँ से स्पीकर में, यहाँ पर देखिए सीट पे 3 स्क्रू लगे होते हैं, तो 3 स्क्रू होंगे, एक को रख देते हैं, दूसरा भी खोल लेते हैं, ठीक है, फिर तीसरा खोल लेते हैं। तो ये है फ्रेंड हमारे 3 स्क्रू, 3 स्क्रू खोल देते हैं। अब यहाँ से अब इसको हटा देते हैं। देखिए ये हमारा स्पीकर है, आईफोन 6 प्लस का स्पीकर, ये है इसका फ्रंट कैमरे का सेंसर पत्ता, जो भी स्पीकर लगा होता है, ठीक है। तो ये चिपका हुआ है, इसको हम चिमटी से अलग कर लेंगे। तो ये चिमटी से यहाँ से उसको उठाएंगे, ध्यान से करना फ्रेंड कोई पत्ता कटे ना, ठीक है। तो आधा उठ गया, तो आप उसको हाथ से अपने निकाल लीजिए धीरे से। तो देखिए ये है इसका फ्रंट कैमरे का पत्ता, ठीक है। तो अब इसकी सीट बच गई हमारे सामने, सीट के जो स्क्रू हैं साइडों में वो खोल लेंगे, टोटल 5 स्क्रू लगे होते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से खोल लिया, अब यहाँ से भी खोल लेते हैं। मैं फ्रेंड कोई वीडियो फॉरवर्ड नहीं कर रहा, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारे स्क्रू खोल दिए, कोई मुश्किल काम नहीं है फ्रेंड, बड़ा ईजी है। अब स्क्रू खोल दिया, अब इसको आपको यहाँ से उठाना है, इसको उठा के आपको टच आईडी चिपकी होती है इसको भी खींच देना है, ठीक है। ये निकाल दिया हमने सीट, ये है हमारे टच आईडी का पत्ता का सीट, सेंसर वाली सीट है। तो अब देखिए हमारी डिस्प्ले अब ये हो गई अलग, तो अब इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने न्यू डिस्प्ले में। तो ये हमारी डिस्प्ले है, तो चलिए अब इसको हम इससे पहले चेक कर लेंगे फ़ोन में कि डिस्प्ले हमारी वर्किंग है या नहीं है, क्योंकि हमने चेक नहीं किया, तो इसको चेक कर लेते हैं। पहले हमारा टच का कनेक्टर है, उसको टच पैड पर लगा लेंगे, आराम से लगाएंगे। इसके बाद डिस्प्ले का कनेक्टर है, इसको बिठा लेंगे, ठीक है। इसके बाद बैटरी कनेक्टर बिठा लेंगे, अब फ़ोन को ऑन करेंगे। तो देखिए हमारी डिस्प्ले तो फ़िलहाल ओके है, तो अब इसको ऑन होने देते हैं, ऑन होने देते हैं, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड अब ये ऑन हो गया फ़ोन, तो अब मैं चेक कर लूँगा कि वर्किंग सब कुछ है या नहीं। इसका पासवर्ड है 198, ठीक है। चलिए तो देखिए मैं इसको चेक करता हूँ चारों तरफ से। तो देखिए अभी यहाँ तो फिलहाल वर्किंग कर रही है, एकदम ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैसेजेस आ रहे हैं, पहले फ्लाइट मोड पर कर दूँगा, फ्लाइट मोड जो होता हमारा था बस बंद हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं सारी तरफ से दाएं बाएं करके। अगर आप आईफोन की डिस्प्ले चेक करोगे फ्रेंड, तो ऐसे ही चेक करना सारा, जो हमारा असिस्टिव टच होता है इसको पूरा चेक करना। इसके बाद कीपैड पे आपको आना, कीपैड सारे चेक करने हैं, ठीक है। ये पूरा वर्किंग है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए कहीं से भी वर्किंग सब कुछ ठीक ठाक है इसके अंदर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही, ब्राइटनेस भी ठीक है, सब कुछ फ्रेंड ओके ही है, ठीक है, डन है पूरा। तो चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ करते हैं फ़ोन को, ठीक है, तो उसका वेट करते हैं। तो अब उसकी हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, जिस तरह हमने सीट उतारी थी वैसे सब कुछ स्पेयर हम वापस लगाएंगे। तो आपको ध्यान से निकालना है पत्ता, क्योंकि बड़ा होता है इसका टच का पत्ता, का डिस्प्ले का पत्ता। तो देखिए टच के पत्ते में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो फ्रेंड कोई जल्दबाजी नहीं, उनको आराम से काम करना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से दिक्कत आ रही है, तो इसको अलग कर देता हूँ, यहाँ से मैंने निकाल दिया। चलिए अब इसको हम रिप्लेस करते हैं, जो भी सामान था हमारा सब इसमें फिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास टच आई डी जो हमारी होती है इसका सीट है, ठीक है, तो इसको पहले रिप्लेस करेंगे। तो ये सीट हमेशा फ्रेंड उस सीट के नीचे रहेगी, पत्ते के नीचे। तो चलिए अब जो भी स्क्रू निकाले सारे स्क्रू लगाएंगे इसके अंदर, जितने स्क्रू हमने जो भी किए थे, ठीक है। तो चलिए फिट करते हैं पहला स्क्रू, चलिए चलते हैं दूसरा स्क्रू पे, ये हमने लगा दिया दूसरा स्क्रू, ठीक है। इसके बाद चलिए यहाँ चलते हैं तीसरा स्क्रू, ये चौथा, सारे स्क्रू आपको ध्यान से रखने हैं फ्रेंड, अलग अलग रखने, अलग अलग कोई मिक्स ना हो, ठीक है। ये लास्ट हमारा पांचवा, ठीक, इसको हम लगा दिया। अब चलिए हम लगाते हैं हमारे टच आई डी होम बटन जो होता है उसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब इसको हम होम बटन जो हमारा है इसको लगाएंगे, ऐसे रखना है इसको। उसके बाद ये कनेक्टर है, इसमें इसको लगा देना है, अटैच करना है, ठीक है, फिक्स हो गया। अब हमारा ये होम बटन फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारी सीट होती है होम बटन की, इसको लगाना है ऊपर से, इसमें टोटल इसके तीन स्क्रू हैं, तीनों लगा देंगे आराम से, ठीक है। तो देखिए मैं इसको टोटल इसमें तीन स्क्रू हैं, तीनों आपको लगाने हैं, कोई अलग नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, ध्यान से। ये फ्रेंड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए होम बटन वर्किंग है। अब चलते हैं ऊपर की साइड, ऊपर जो इसका है फ्रेंड कैमरे का सेंसर का पत्ता, हम पहले वो फिक्स करते हैं। पहले इसका ये रबड़ उतारता हूँ, हमारे स्पीकर का रबड़ लगा हुआ है, इसको उतार देता हूँ आराम से, तो ठीक है। तो इसको उतार दिया, अब हम इस पर इसको चिपका देंगे पहले वाले पे। तो इस तरह से माइक को आपको सेंटर में रखना है, ठीक है, इस तरह रखना है, इसे पत्तों को सेट कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से सेंसर वगैरह को लगा देंगे, इसके बाद इसका स्पीकर है, स्पीकर रखेंगे। फ्रेंड आपको यहीं दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें टाई बाई होती हैं, ठीक है, एक बार में फिक्स नहीं होता। चलिए स्पीकर को पहले हम लगा लेंगे अच्छे से, फिक्स कर लेंगे, और ऊपर जो स्पीकर की सीट होती है, कैमरा होता है, उसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपकी सीट आती है ऊपर रख लेते हैं। तो फ्रेंड आपको आगे देखना है कि फ्रंट कैमरा हमारा बराबर है कि नहीं, ठीक है, फ्रंट कैमरा आपको देख के रखाना है, कहीं ऐसा ना हो कि फ्रंट कैमरा बराबर ना हो और आपने सब कुछ फिक्स कर दिया। पहले सब कुछ चेक कर लेना, उसके बाद ही फिक्स करना, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए, तो ये सब स्क्रू लगा दिए, तो कि फ्रेंड कैमरा अभी फ्रेंड कैमरा फ्रेंड बैठा नहीं है, तो इसको सही से बैठाऊंगा, आगे तो दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड कैमरा बैठ नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको आगे जो सीट लगी होती है पीछे प्लास्टिक का एक होता है, उसको लगा देंगे जब तक फ्रंट कैमरा हमारा प्रॉपर बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब बैठ रहा है लेकिन दिक्कत आ रही है, तो इसको बराबर बैठाऊँगा, तो उसको थोड़ा घुमा देता हूँ। तो फ्रेंड मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं पर आप थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी बैठाने में, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखिए अब ये डन है, ओके है। अब मैं इसमें स्क्रू टाइट कर देता हूँ, उसके जो स्क्रू हैं उनको बिठा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तीनों स्क्रू आया था, ठीक
ओके फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हमने सारे टोटली स्क्रू लगा दिए, ठीक है। तो अब हमारा डिस्प्ले पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब हम इसको बिठाएंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब इसको हम बिठाते हैं बोर्ड के अंदर, हमारी जो बोर्ड है, चलिए अब उसमें बिठाएंगे। सबसे पहले टच का अपने टनेटर है, टच पैड, पहले वो लगा देंगे आराम से। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ देखिए लगाते हैं डिस्प्ले टच आईडी का पत्ता, ठीक है। अब ये हमारा सेंसर का फ्रंट कैमरा तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा ऑफिशियली पूरा ओके हो गया है। तो अब हम इसकी जो सीटें होती हैं हमारी, इस सीट को फिक्स कर देंगे, जैसे फ़ोन आया था हम वैसे ही इसको पैक करेंगे, ठीक है। हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको फ्रेंड बढ़िया काम करना है तो आपको सब कुछ जैसे आया था फ़ोन आपको वैसा ही देना है बना के, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। बाई चांस कभी कहीं से कस्टमर दिखाए तो बोलेगा कि चीज़ें गायब हैं, तो वो शक करेगा, ठीक है। तो आप प्रॉपरली सब कुछ जैसा था वैसे करके दे दीजिए, ठीक है। सारे स्क्रू जो भी हैं अब इसको मैं लगा देता हूँ। तो फ्रेंड फिलहाल फ्रेंड सब कुछ हमने सही लगा दिया है, सब कुछ ओके कर दिया है। तो अब हमारा ये फ़ोन भी अब डन ही है, डन हो गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने सारी सीटें लगा दी हैं। अब हमारा बैटरी कनेक्टर है उसको लगा देते हैं, जो बैटरी कनेक्टर के ऊपर सीट होती है। अब इसको भी ऊपर लगा देंगे, पूरा प्रॉपर पैक कर देंगे फ़ोन को, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रू फटाते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सारे स्क्रू हैं, तो इसको भी लगा देता हूँ जो भी है बैटरी कनेक्टर के, इसको फिर फिक्स कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली फ्रेंड हमारा फ़ोन अब डन हो चुका है, तो इसको अब मैं फिक्स कर दूंगा, पूरा प्रॉपर बंद कर दूंगा, जैसे आया था वैसा ही, ठीक है। तो चलिए अब हमने फ़ोन बंद कर दिया है, तो उसको मैं ऑन करता हूँ, पावर बटन से ऑन करके देखूँगा कि ये ऑन हुआ। सबसे पहले इसको बंद कर लेता हूँ, तो आपको आराम से हौले से यहाँ से बंद करना है, फिर इस तरह से बंद करना है, फिर यहाँ से बंद करना है, दबाव डालना है, फिर दबा देना है, ठीक है। तो अब हमारा फ़ोन बंद हो गया, यहाँ से ऑन करते हैं, तो देखिए हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो गया। तो अब इसके स्क्रू हैं, इसके दो दो स्क्रू नीचे के आईफोन के होते हैं, वही लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे स्क्रू थे दोनों, ये भी लगा देता हूँ, तो ये लगा दिया है मैंने, तो यहाँ से ये भी लगा देता हूँ। तो फ्रेंड अब हमारा फ़ोन आईफोन 6 प्लस हमारा डन हो चुका है, प्रॉपर ओके जैसा था वैसा हो गया। अब इसका टेम्पर है वो मैं बाद में उतार दूंगा, तो ये नीला टेम्पर लगा हुआ है, तो अब इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड आप आईफोन 6 प्लस का डिस्प्ले रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको चेक कर देता हूँ। तो आप कोई भी आईफोन 6s 6s 6 प्लस फ्रेंड सबका यही स्टेप है, आप इस तरह से इसको डिस्प्ले को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से फ्रेंड आपको चेक करनी है सारे सब कुछ, जो हमारा असिस्टिव टच है इसको चाहता है दाएं बाएं घुमाना है आपको, अच्छे चेक करना है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, जहां अटकेगा समझ लीजिए डिस्प्ले प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं भी नहीं रुक रहा है, प्रॉपर चल रहा है, तो हमारी डिस्प्ले पूरी वर्किंग है, ठीक है। तो फ्रेंड अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने डिस्प्ले लगा दी, तो हमें डिस्प्ले लगाने के बाद हमें क्या क्या चेक करना होता है, तो ठीक है वो भी चेक कर लेते हैं। तो हमें फ्रंट कैमरा देखिए जहाँ पे हमें डिस्प्ले होती है वहाँ पे हमें टच आईडी होती है, फ्रंट कैमरा होता है, स्पीकर होता है, सेंसर होता है, तो हम वही सब उतारते हैं, वही सब फिक्स करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी एक चीज़ें चेक करेंगे, पहले टच आईडी चेक करेंगे, जो हमारा फिंगरप्रिंट होता है, इसके पहले पासवर्ड डाल देता हूँ, कि हमारा जो अंगूठा है उसको फिक्स करेंगे, देखेंगे हमारा फिंगर वर्क कर रहे नहीं, तो देखिए फिंगर वर्किंग है, तो ये ओके है। तो आपको ये पहले स्टेप का चेक करना है, उसके बाद आपको हमारा फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा चेक करना है, फ्रंट कैमरा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रंट कैमरा लगा होता है। तो ये देखिए फ्रंट कैमरा भी चल रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर है हमारा, अभी तो फ्रेंड फ्लाइट मोड पे है फ़ोन, तो स्पीकर चेक नहीं करेंगे, वैसे वर्किंग है फ़ोन, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा दोनों ओपन है। इसके बाद LED चेक कर लेता हूँ, LED भी वर्किंग है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने आईफोन 6 प्लस के डिस्प्ले को रिप्लेस किया, आप भी इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थैंक फॉर वॉचिंग।